लोग कहते हैं कि सरदार कभी भीख नहीं मांगते, क्या ये सच है? लोगों की क्या सुनना, आप अपनी अगर याददाश्त पर जोर डालेंगे तो क्या आपने कभी किसी सरदार को भीख दी है या किसी सरदार को अपने सामने हाथ फैलाए देखा है? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आज एक घटना मैं आपको सुनाने जा रही हूँ जो मैंने भी सुनी है और ये बिल्कुल सच्ची घटना है। ये एयरपोर्ट पे दो यंग लड़के एक टैक्सी लेकर के चलने लगे। उन्होंने एक टैक्सी ली। टैक्सी का जो ड्राइवर था वो एक बूढ़ा सरदार था। उन दोनों ने, दोनों यंग लड़कों को ज़्यादा ही मस्करी सूझी थी और बारी बारी जानबूझकर सरदारों पर जोक क्रैक करने लगे। उन्हें डर तो था नहीं कि वो दो थे और सरदार एक, ड्राइवर एक, और वो भी बूढ़ा। कुछ देर बाद उनकी मंजिल आ गई और वो उतरने लगे और ड्राइवर को अपना किराया दिया। फिर ड्राइवर ने 10 का एक नोट उन्हें लौटाते हुए कहा, जब तुम्हें कोई सरदार भीख मांगता दिखाई दे तो यह नोट उसे दे देना। अब कहानी सच है या नहीं, यह बात सही है या नहीं, किसी भी सरदार को भीख मांगते वो देखेंगे या नहीं, ये तो मैं नहीं कह सकती। लेकिन ये बात बिल्कुल सच है कि सरदार कभी भी भीख नहीं मांगते। और इसका एक कारण जो मुझे समझ आता है वो है उनका कठोर परिश्रमी होना, और वह काम से बिल्कुल भी जी नहीं चुराते हैं। उन्हें ये बिल्कुल भी नहीं लगता कि हाँ, काम करना कोई बुरी बात है या काम के लिए उनके अंदर जो हिम्मत है वो किसी में नहीं होती। वह किसी भी काम को छोटा या बड़ा नहीं समझते। अगर आपने देखा होगा तो गुरुद्वारे में अमीर से अमीर लोग जूते उठाने का भी काम करते हैं। ये कोई छोटी बात नहीं है दोस्तों। बोलने की बात ये है कि भीख मांगकर काम करने से अच्छा है वह ये समझते हैं कि चाहे छोटा सा छोटा काम हो वो कर लो। सरदार खुद भीख मांगते नहीं, परंतु लंगर चला के गरीब और ज़रूरतमंद की मदद करते हैं। तो बोलने का तात्पर्य ये है कि हमें भी सरदारों से कुछ सीखना चाहिए, ना कि उनके ऊपर जो क्रैक करके उनका मजाक उड़ाना चाहिए। दोस्तों, अगर वीडियो में कुछ भी ऐसी बात हो जो आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिनसे वह भी इंस्पायर हो और उन्हें भी कुछ सीखने का मौका मिले।